दोस्तों यूपी डीएलएड एडमिशन 2023 और 25 अगर देखा जाए, आप डीएलएड में एडमिशन की अगर इच्छा रखते हैं और वो भी 23 और 25 सत्र के लिए, तो आप सभी के लिए कहीं ना कहीं एडमिशन का एक सुनहरा अवसर मिल रहा है। बिल्कुल आप इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए। ठीक है, यहाँ देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिना आवेदन के एडमिशन। मैं मानता हूँ कि अगर आपने 2023 में जब आवेदन की प्रक्रिया चल रही थी तो आप किसी कारणवश आपने एडमिशन नहीं लिया था, तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपके लिए ये सुनहरा अवसर है। बिल्कुल आप बिना आवेदन के एडमिशन ले सकते हैं। अभी इस ऑफिशियल नोटिस पर हम आपके बीच में चर्चा करते हैं। कुछ लोग अभी इस ऑफिशियल नोटिस को फ्रॉड बता रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिस सही नहीं है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि भी हम करते हैं आपके बीच में। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी ऑफिशियल नोटिस है, जो इसकी ऑफिशियल डेट बताई जा रही है, वो 28 फरवरी से 4 मार्च तक है। यानी जो एडमिशन चलेगा वो 28 फरवरी से होकर चलेगा और 4 मार्च तक आपका एडमिशन चलेगा, जिसकी योग्यताएँ हमारी होती हैं ग्रेजुएशन क्वालिफाइड। अगर आपने BA BSc BCOM कर रखा है तो बिल्कुल आप DLED के लिए एलिजिबल माने जाते हैं, ठीक है, और आप एडमिशन ले सकते हैं। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए, आपके बीच में ये ऑफिशियल नोटिस है जिसमें आप देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है DLED प्रशिक्षण 2023 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है तो निर्गत साधनादेश संख्या इतना, प्रदत्त समय सारणी के तत्क्रम में समस्त कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राजकीय डायट व DLED संस्थानों में ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से DLED प्रशिक्षण 2023 में कार्यवाही संपादित कराई जा चुकी है। यानी जिन लोगों ने आवेदन किया था, फाइनली उनकी जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से कम्प्लीट हो गई है। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है बेसिक अनुभाग इतना जो है मार्गदर्शी, अल्पसंख्यक संस्थानों में आवंटित 50% सीटें। मैंने आपको बताया जो माइनॉरिटी कॉलेज होते हैं वहाँ पर 50% सीटें जो होती हैं वो डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटे की होती है और 50% सीटों का अधिकार परीक्षा नियामक प्राधिकारी का होता है। ठीक है, कहा जा रहा 50% सीटों पर स्वयं प्रवेश की कार्यवाही किए जाने एवं बिंदु संख्या इतना अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत जो है लिए गए प्रवेश को ऑनलाइन फीड किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, आगे कहा जा रहा है शासनादेश दिनांक कितना जो है दिए गए निर्देश के अनुपालन में DLED प्रशिक्षण 2023 के अंतर्गत अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत प्रवेश लिए गए हैं। आगे अभ्यर्थियों की वेबसाइट, यहाँ इस वेबसाइट के माध्यम से भी आप जो है इस ऑफिशियल नोटिस को प्राप्त कर सकते हैं, इससे बड़ा प्रूफ और हम आपको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उपलब्ध कॉलेज लॉगिन जो है पासवर्ड के माध्यम से फीड किए गए प्रवेश की कार्यवाही डायट द्वारा स्वीकृत किए जाने हेतु समय सारणी। यहाँ देख लीजिए, इस पूरे नोटिस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही है कि अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत प्रवेश लिए के अभ्यर्थियों का विवरण कॉलेज लॉगिन पर पूरित किए जाने की तिथि जो है वो 28/2/2024 से 4/3/2024 तक है। ठीक है, अगला कॉलम देखिएगा, कहा जा रहा है डायट द्वारा जनपद के अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा पूरित किए गए डाटा का अभिलेखीय मिलान करते हुए लिए गए प्रवेश को ऑनलाइन स्वीकृति करने की अंतिम तिथि जो है वो देख सकते हैं 29/2/2024 से, यानी 28 से आपका एडमिशन चालू होगा, 29 से आपका वेरीफाई भी होना चालू हो जाएगा और लास्ट डेट जो है वो 6/3/2024 तक शाम 5 बजे तक आप करा सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ों को यहाँ देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे, इस कॉलम को आप देख लीजिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत लिए गए प्रवेश आवेदन पत्र पर अंकित प्रविष्टियों का पिलान डायट द्वारा अभ्यर्थियों के अभिलेखों से किए जाने के उपरांत डायट लॉगिन पर संस्थावार अभ्यर्थियों की सूची को डायट द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 6/3/2024 को अप्रूव कर लिए गए प्रवेश को मान्य किया जाएगा। आगे डायट द्वारा अप्रूव न किए जाने पर अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत लिया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा। अगर डायट द्वारा वेरीफाई नहीं किया जाता है आपका एडमिशन और आपने एडमिशन भले ही कॉलेज में ले लिया है तो आपका एडमिशन जो है वो वेरीफाई नहीं होगा और आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस जो है पूरे ऑफिशियल नोटिस पर मैंने चर्चा कर दिया। कुछ कन्फ्यूजन्स आपके इस बात के हैं
कि क्या हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए स्कॉलरशिप की डेट तो समाप्त हो चुकी है, स्कॉलरशिप मिलना अब मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल क्या, बिल्कुल एकदम ना ही समझिए। ठीक है, और यहाँ कुछ लोग कह रहे थे कि भैया हमारा एडमिशन तो आज 2 महीना पहले हो गया। नहीं, 2 महीना पहले आपका एडमिशन नहीं हुआ, एडमिशन अब जाके आपका होगा। भले ही आपने कॉलेज में पैसा जमा कर दिया है वो अलग का मामला है, लेकिन जब पीएनपी की तरफ से जो है आदेश किया जाएगा तभी जाके एडमिशन होगा, अन्यथा की स्थिति में एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बाकी अगर किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।